बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से जब मेरी बात होती है तो बहुत सारे कई बार उनसे जब बात बात में पता चलता है कि उन्होंने वो बताते हैं कि जब भी वो लोग कहीं भी जॉब पोर्टल साइट पे जॉब सर्च कर रहे होते हैं या उनको जॉब दिखती है तो लोग उस पे अप्लाई करते हैं, बट उनको कोई भी वहाँ से जॉब पोर्टल साइट से या उस कंपनी की तरफ से, जो भी ओपनिंग जिस कंपनी की तरफ से रहती है, वहाँ से कोई भी उनको रिस्पॉन्स नहीं आता है। ना ही उनकी कोई भी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होती है, ना सीवी शॉर्ट लिस्ट की जाती है, ना ही इंटरव्यू के लिए कॉल आते हैं। तो उसके रीजंस क्या होते हैं? तो जबकि उनके पास वो एजुकेशन जो उसमें रिक्वायर्ड एजुकेशन थी वो उनके पास था, उनके पास जो एक्सपीरियंस था वो उनके पास था, और उतना टाइम का एक्सपीरियंस था, साथ साथ में उनके पास वो स्किल भी थी, फिर भी क्यों नहीं शॉर्ट लिस्ट होता है। तो जब मैंने उन लोगों से कई लोगों से बात की और जानने की कोशिश की तो पता चला कि वो लोग क्या करते हैं, जब भी वो अप्लाई करते हैं तो उन्होंने जिस सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं तो वो उसी सेक्टर के सारा एक्सपीरियंस अपना दिखा के रखे होते हैं, या फिर उसी सेक्टर से रिलेटेड अपना जो भी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है या फिर स्किल सेट है, वो सारी की सारी दिखा के रखते हैं। वो कभी भी क्या नहीं करते हैं, सामने वाली जो जो भी जॉब ओपनिंग आती है जॉब पोर्टल पे, चाहे वो इधर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आए या फिर कोई भी कंपनी के थ्रू डायरेक्ट पोस्ट की जाए, तो वो उसको सही से उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं है, और जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद अपनी सीवी को उस हिसाब से मॉडिफाई या कस्टमाइज नहीं करते हैं कि जो जो वो सामने वाले ओपनिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो अपनी सीवी में एड ऑन नहीं करते हैं, और उसके हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते। उनका करने का तरीका क्या होता है, उनको पता है कि मेरे पास ये एजुकेशन लेवल है, उन्होंने अपनी सीवी में अपडेट कर रखा है या एक्सपीरियंस अपडेट कर रखा है, और कुछ मिलती जुलती उनकी स्किल्स जो हैं वो अपडेट हैं, बट वो उसको डायरेक्ट पूरी तरह से उस सेक्टर के हिसाब से जो डिमांड है उस और उस कंपनी के हिसाब से जो डिमांड है, स्किल एक्सपीरियंस और वो कॉम्पिटेंसीज और नॉलेज, उसके हिसाब से वो पढ़ के उसके हिसाब से मॉडिफाई करके फिर अप्लाई नहीं करते। वो क्या करते हैं, जैसे ही जॉब देखते हैं उसको तुरंत का तुरंत अप्लाई कर देते हैं बिना उसको देखे हुए, और सारी अपना एक ही प्रोफाइल से और एक ही सीवी जो रहता है उसी को हर तरह के सेक्टर में, हर तरह की जॉब ओपनिंग में वो सेम टू सेम उसी को अप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। जब भी है, आप लोग अगर इस तरह की जॉब सर्च कर रहे हैं, किसी भी जॉब पोर्टल पे अगर देख रहे हैं या कहीं भी किसी ओपनिंग में आपकी जॉब आई हुई है, तो आप किसी फ्रेंड के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू अगर रेफरेंस मिला हुआ है तो सबसे पहले वहाँ का जॉब डिस्क्रिप्शन जानना चाहें कि किस डेजिग्नेशन की ओपनिंग आई हुई है, और वो डेजिग्नेशन के हिसाब से क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका, जॉब का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वहाँ पर, उसके हिसाब से आपको अपना सीवी को बनाना होगा, अपना जो भी कस्टमाइज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, और उसके बेस पे अपने सीवी को तैयार करिए। जो भी वहाँ रिक्वायरमेंट है उस पोजीशन के हिसाब से उसको क्या क्या जिम्मेदारियाँ रहेंगी, क्या क्या काम करने होते हैं, और इसमें अगर आपको कोई जनरल वर्क है या शिफ्ट में हैंडल करना है तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाना होगा कि पास्ट में आपने कहाँ कैसे परफॉर्म किया है। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी स्टैंड सी वहाँ पर स्किल अपडेट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड स्किल अपडेट करिए, ना कि आप एक सेक्टर प्रेफरेंस पे कि उस सेक्टर की किसी मशीन के बारे में आपको पता है तो उसी के बारे में आपने सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं, क्योंकि आप जहाँ सामने वाले को इंटरव्यू देने जा रहे हैं या दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने वो मशीन नहीं देखी होगी या उस तरह की मशीन पे काम नहीं किया होगा, तो आपका एक्सपीरियंस से उनको मतलब नहीं होगा। उनको अपने आप पे जो भी काम चाहिए, जिस सेक्टर में उनको रिक्वायरमेंट है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने जॉब एनालिसिस किया होगा, जिस डिपार्टमेंट में ओपनिंग की गई होगी सबसे पहले वहाँ पे जॉब एनालिसिस किया होगा, वहाँ के बारे में, उस जॉब के बारे में, उस पोस्ट के बारे में, उस डेजिग्नेशन के बारे में पहले एनालाइज किया गया होगा कि इस जो भी बंदे को हायर करने वाले हैं उसकी जिम्मेदारियाँ क्या रहेंगी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगे, उसका वर्किंग आवर क्या रहेंगे, और किस तरह से काम करेगा, और किस किस टीम के बीच में उसको कम्युनिकेट करना होगा या इनके इनके साथ वो लूप में रहेगा, किसको वो रिपोर्टिंग करेगा, तो ये सारी चीज़ें वो पहले से एनालाइज करने के बाद वो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे ही वो जॉब ओपनिंग को सर्च किया जाता है, उसी के बेस पे वो क्राइटेरिया को मैच करते हुए जो सीवीज होती हैं, प्रोफाइल होती हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। बट कई सारे फ्रेंड ऐसा नहीं करते, उन्होंने एक बार सीवी उसको बना लिया, बस उसको ही वो फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनको केवल चेंज करना रहता है, तो सिर्फ वो डेट को चेंज करते हैं या फिर प्लेस को चेंज करते हैं, नीचे अपना डेट को चेंज कर दिया, अगर वो जनवरी मंथ में किसी और कंपनी में अप्लाई किया था तो उसी को डेट चेंज करके फरवरी मंथ में कहीं और अप्लाई कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अगर आप डिफरेंट
जॉब्स को देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से, तो पहले उसको जॉब जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको पूरा सही से पढ़िए और उसके बेस पे आपको देखते जाइए क्या क्या आता है, उनमें से जो भी चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं वो चीज़ें अपनी CV में मॉडिफाई करिए और चेंज करिए, और जो डिमांड कर रहे हैं उनको आप प्रेजेंट करिए कि नहीं ये देखिए मेरे को आता है जो आप डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पर वो सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ये एक तरह से मार्केटिंग का समझ सकते हैं कि आप अपनी स्किल्स को, आप अपने नॉलेज को, आप अपने एजुकेशन को या फिर अपने आप को मार्केट कर रहे हैं सामने वाले कस्टमर को, वो तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तरह से कस्टमर है और आप अपने प्रोडक्ट को उनको सेल कर रहा है, तो उनको आपको ये एहसास दिलाना है कि जो वो सर्च कर रहे हैं, जो उनको क्वालिटीज चाहिए, जो उनको स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, वो सारा कुछ आपके पास है। और इसीलिए CV में बोला जाता है कि आपको जो CV होता है एक मैक्सिमम जो होता है 30 सेकंड के अंदर, वो लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उस CV को शॉर्टलिस्ट कर रहे होता है वो 30 सेकंड या फिर 1 मिनट उस CV पर नज़र डालते हैं। अगर उतनी देर में आपने सारी चीज़ें उनसे मैच कर रही हैं, उनका उनकी नज़र में अगर आ जाते हैं तो ही आपकी शॉर्टलिस्ट होता है, इतनी टाइम नहीं होता है, बहुत सारी वहाँ उनके पास CVs आती हैं, तो सिर्फ वो अपनी मेन स्किल्स को या जो चीज़ें डिमांडिंग है सिर्फ उनसे मैच करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं आपको क्या आता है, वो ये देख रहे होते हैं कि उनको क्या चाहिए और उनके हिसाब से वो CV में आपका कितना परसेंट मैच हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोग ट्राई करेंगे एक बार तो ज़रूर शॉर्टलिस्ट होगा और उसके हिसाब से आप ट्राई करिएगा, ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी कॉल आएंगी, शॉर्टलिस्ट होंगी CVs या फिर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होंगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे टॉपिक से हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें।